बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि इंटरमीडिएट में ग्रामर के मुख्य रूप से चार चैप्टर हैं, पहला है चेंजिंग ऑफ डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन, दूसरा है सिंथेसिस, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, चौथा है सिंटैक्स। दो ग्रामर के दो चैप्टर अरेबिक क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, चेंजिंग ऑफ डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, और दूसरा जो है सिंथेसिस। तीसरा चैप्टर इंटरमीडिएट फाइनल क्लास के लिए है, टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। यह तीसरा चैप्टर है जिसका अर्थ होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूप परिवर्तन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का रूप परिवर्तन। अगर केवल हम मीनिंग बता दें कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जिसका अर्थ होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन, इससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा कि व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम डिफिनीशन में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनीशन क्या है आप देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस बट देयर मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। इसका अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, अर्थ होता है टू चेंज, परिवर्तन करना। इसका परिवर्तन करना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मीन्स व्याकरण संबंधित संरचना, ग्रामेटिकल व्याकरण संबंधित, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बदल देना। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ हुआ कि वाक्यों के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर व्याकरण संबंधित संरचना को बदल देना, बट देयर मीनिंग शुड नॉट बी चेंज, लेकिन उनका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि दिए गए वाक्य का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इस ढंग से बदल दीजिए कि उसके अर्थ में कोई तब्दीली न हो, रूप बदल जाए लेकिन अर्थ सेम का सेम रहे। यस, और दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। इसी प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब दिए गए वाक्य का रूप परिवर्तन कर देना, अर्थात ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बदल देना, किंतु उसके मीनिंग में अंतर नहीं आना चाहिए। जैसे इसके संदर्भ में कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर आपसे पूछा जाए कि आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए, तो आप देखिए आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं उसकी समस्याओं का समाधान कर दिया, यह एक्टिव पास में है। तो आप इसको इस ढंग से कर सकते हैं, इसको पैसी बात में चेंज कर देंगे। तो पैसी बात के लिए सब्जेक्ट का स्थान पर ऑब्जेक्ट आता है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट दिस प्रॉब्लम, जैसा कि पास इंडिकेट टेंस का एक्टिव वॉइस है। पास इंडिकेट का पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट रखने के बाद पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया, तो पास इंडिकेट के पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया वाज या वेयर का प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट को देखकर। यहां पर ऑब्जेक्ट जो है बहुवचन में है, इसलिए वेयर का प्रयोग करेंगे। दिस प्रॉब्लम वेयर, और पैसिव वॉइस में सदैव क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, तो सॉल्व सॉल्व। बाय मी, देखिए दिए गए वाक्य जिसका ट्रांसफॉर्मेशन करना था, इसका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हुआ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व बाय मी। जरा दोनों का रूप देखिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में चेंजिंग हुआ है। I solve this problem, इसमें सब
रखे गए हैं। और जब इनका हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ही प्रॉब्लम्स वेयर सॉल्व बाय मी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल गया है लेकिन अर्थ में कोई तब्दीली कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब किसी सेंटेंस का हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदल दें लेकिन उसके अर्थ में कोई तब्दीली कोई परिवर्तन ना हो, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से हमें यह मालूम हुआ कि इस वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अर्थ लगाइए, आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैंने उसकी समस्याओं का समाधान कर दिया, मैंने उसके समस्याओं का समाधान कर दिया। जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया गया तो ही प्रॉब्लम सॉल्व बाय मी, उसकी समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा किया गया। दोनों के अर्थों में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वाक्य का बड़े अच्छे तरह से पैसिव वॉइस में चेंजिंग करके ट्रांसफॉर्मेशन किया गया। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिस न्यूज ट्रबल्ड मी। दूसरा एग्जाम्पल, दिस न्यूज ट्रबल्ड मी, यह समाचार मुझको पीड़ित किया, कष्ट दिया, यह समाचार मुझको पीड़ित किया या कष्ट दिया। इसका ट्रांसफॉर्मेशन का कोई पूछता है कि इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, तो देखिए किसी भी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले दिए गए वाक्य का अर्थ लगाइए, अर्थ लगाने के बाद उसको किसी दूसरे ढंग से कह दीजिए तो वह ट्रांसफॉर्मेशन का रूप धारण करेगा। जैसे दिस न्यूज ट्रबल्ड मी, यह समाचार उसको कष्ट दिया। इस वाक्य को हम दूसरे तरह से ऐसे कह सकते हैं कि यह समाचार मेरे लिए कष्टदायक था। ऊपर देखिए, यह समाचार मुझको कष्ट दिया। अगर इसी को हम दूसरे तरह से कह दें कि यह समाचार मेरे लिए कष्टदायक था तो कोई अर्थ में कोई अंतर नहीं, इसलिए इसको लिख देंगे कि यह समाचार मेरे लिए कष्टदायक था। इसका अनुवाद हो जाएगा, दिस न्यूज वाज, यह डबल वर्ब है, इसको हम एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे। दिस न्यूज वाज ट्रबलसम, ट्रबल वर्ब है, इसका एडजेक्टिव होगा ट्रबलसम। ट्रबलसम मीन्स कष्टदायक, तो दिस न्यूज वाज ट्रबलसम। और फॉर मी, देखिए ऊपर दिए गए वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन यही हुआ, दिस न्यूज वाज ट्रबलसम फॉर मी। दोनों के अर्थ में मिलान कीजिए, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं। ऊपर है कि दिस न्यूज ट्रबल मी, यह समाचार उसको कष्ट दिया, जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया गया तो हो गया दिस न्यूज वाज ट्रबलसम फॉर मी, यह समाचार मेरे लिए कष्टदायक। इस तरह से परिभाषा के अनुसार हम देखते हैं कि बहुत सही ढंग से दिए गए वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। आगे का एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल देखिए, माई फादर was an honest man. My father was an honest man. इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले इसका अर्थ लगाइए। My father was an honest man. मेरे पिताजी एक ईमानदार आदमी थे।
इसको हम कैसे कह दे कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इस सेंटेंस का बदल जाए लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो भाई फादर वाज एन ऑनेस्ट मैन, मेरे पिताजी एक ईमानदार आदमी थे, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे पिताजी बेईमान आदमी नहीं थे, मेरे पिताजी बेईमान आदमी नहीं थे अर्थात ईमानदार थे। इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ हिंदी में कि मेरे पिताजी बेईमान नहीं थे, ट्रांसलेट कर दीजिए माई फादर, माई फादर वॉज नॉट प्रयोग किया गया है।
तो किसी भी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले उसका भाव या सेंस या अर्थ लगाइए। तो अर्थ क्या इसका निकला? दिस मैन इज टू बी, यह आदमी बहुत कमजोर है, यह आदमी बहुत कमजोर है। टू डू दिस हार्ड वर्क, इस कठिन काम को करने के लिए। अर्थ तो यही हुआ कि यह आदमी बहुत कमजोर है इस कठिन कार्य को करने के लिए। तो किए लड़के को ऐसे कर देंगे, कहेंगे कि ये अर्थात यह आदमी इतना कमजोर है कि इस काम को कर नहीं सकता है। इसको ट्रांसलेट कर देंगे, यह आदमी इतना कमजोर है, दिस मैन इज इतना कमजोर। इतना का इंग्लिश क्या होती है? सो। टू को हटा करके सो का प्रयोग करेंगे। दिस मैन इज सो वी, यह आदमी इतना कमजोर है कि के लिए वाक्य बीच में की शब्द आता है तो दैट का प्रयोग करते हैं। दिस मैन इज सो वी दैट, यह आदमी इतना कमजोर है कि वह इस कठिन कार्य को कर नहीं सकता है। तो यहाँ पर दैट का सब्जेक्ट रखेंगे। वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट क्या है? जिसमें मैन के लिए प्रोनाउन ही होगा, और इसके बाद अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगाएंगे, पास्ट में रहेगा तो कुड नॉट। या प्रेजेंट में है तो ही कैन नॉट डू दिस हार्ड वर्क। देखिए दिया गया वाक्य दिस मैन इज टू वीक टू डू दिस हार्ड वर्क, यह आदमी इस कठिन काम को करने के लिए बहुत कमजोर है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया गया कि दिस मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट डू दिस हार्ड वर्क, यह आदमी इतना कमजोर है कि वह इस कठिन कार्य को कर नहीं सकता है। और कमजोर लड़के जो अर्थ नहीं लगा पाते हैं वो उनके लिए इस तरह से नियम है। अर्थ अगर नहीं लगा पाते हैं तो देखिए दिस मैन इज टू वीक है, तो टू को हटा करके सो लगा देंगे। अगर ऐसा वाक्य होगा तो टू हम हटा करके सो लगाएंगे, सो वीक। और यह टू जो है टी ओ इंफिनिटिव बनाने के लिए इस टू को हटा करके दे दे। फिर दे के बाद वाक्य प्रारंभ में देखिए जो सब्जेक्ट है उसी को रखिए। तो वाक्य प्रारंभ में सब्जेक्ट है दिस मैन, तो बार बार दिस मैन लिखा नहीं जाएगा, तो दिस मैन के लिए प्रोनाउन होगा ही। और कैन नॉट लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट रखने के बाद कैन नॉट, फिर इस यहां पर भी क्रिया है डू, जस्ट का जस्ट उतार देंगे डू दिस हार्ड वर्क। घबराना ना होगा, बिल्कुल उदाहरण होते थे। हाँ अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये नहीं कि मैं बता दिया तो ये कई एग्जाम्पल जैसा सब वाक्य है, इसमें कई एग्जाम्पल किए गए हैं। जैसे दूसरा वाक्य है, दूसरा उदाहरण है, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। इस वाक्य में भी एडवर्ब टू दिया है, इसका अर्थ लगाइए दिस ट्री इज टू हाई, यह पेड़ बहुत ऊंचा है, यह पेड़ बहुत ही ऊंचा है फॉर मी, मेरे लिए टू क्लाइम चढ़ने के लिए।
यह पेड़ चढ़ने के लिए मेरे लिए बहुत ऊंचा है। अब इसके लिए देखिए, दी सर ट्री इज टू हाई है, तो सो हाई कर दीजिए, टू हटा करके सो हाई। दिस ट्री इज सो हाई, यह पेड़ इतना ऊंचा है कि लिए क्या रखते हैं दे। अब इसके बाद सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, यहां पर एक सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, तो इसमें सब्जेक्ट जिसके लिए कोई चीज ऊंचा है, टफ है, कठिन है, वही यहां पर सब्जेक्ट बनेगा। जैसे फार्मी किसके लिए कठिन है, मेरे लिए, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मी का फार हटेगा, मी का सब्जेक्ट आई। अगर था ही है तो फार हटकर ही का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। फार अस है तो फार हटाकर अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी। फार देव है तो फार हटाकर देव का सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, थी। तो इस तरह से फार्मी है, जिंदगी तो हाई डे, यह पेड़ इतना ऊंचा है कि देखिए प्रेजेंट में है, इस लगा है, इसलिए कैन नॉट लगेगा, आई कैन नॉट क्लाइंब। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस देता है जिसमें एडजेक्टिव के बाद फार्मी, फार्मी, फार देन लगा हो, उसका ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह से करेंगे। हिस्ट्री टू हाई की जगह टू हाई इतना ऊंचा है कि के लिए डेट रखेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या होगा, जिसके लिए ऊंचा है या कोई समस्या है, वही सब्जेक्ट होगा। पानी मेरे लिए ऊंचा है, तो इसमें सब्जेक्ट मी का आई, फिर प्रेजेंट में है, इसलिए कहना प्लान। अगर देखिए यही हो जाता, दिस ट्री वाज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, इसकी जगह वाज होता कि दिस ट्री वाज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, यह पेड़ मेरे लिए चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा था, तो कुछ नहीं, सब प्रक्रिया वही है। दिस ट्री इसकी जगह क्या है, यहां वाज क्या होगा, वाज कर देंगे, सो हाई दैट, और हाई फिर अगर पास में है तो कहे का क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा उदाहरण, कभी कभी सेंटेंस में एडवर्ब टू टू के बाद एडजेक्टिव देता है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद कोई इन्फिनिटिव वर्ब नहीं रहता है। जैसे उदाहरण में देखिए, The weather, the weather is too hot. मौसम, अब इसको और देर नहीं करेंगे, सीधे की मौसम बहुत गर्म है ना, टू का मतलब ना भाव दबा कर सिकोड़ करके, ये जो कि असहनी, टू जो है किसी चीज की इतनी अधिक अधिकता व्यक्त करता है जो कि असहनी होता है, इसको कहेंगे द वीदर टू हॉट, मौसम बहुत गर्म है, खींच कर कहेंगे, नहीं कहेंगे मौसम बहुत गर्म है, तो साधारण सी चीज होगी। द वीदर टू हॉट, टू का मतलब इतना अधिक जो कि अनबियरेबल, उसको सहारा जा सके। द वेदर इज टू हॉट, मौसम बहुत गर्म है, इसमें इसके आगे इन्फिनिटिव वर्ब नहीं दिया, तो इसमें कैन नॉट वगैरह नहीं लगेगा। इसके लिए देखिए, द वेदर इज टू हॉट, ऐसे वाक्यों पर ट्रांसफॉर्मेशन करते समय टू को हटा देंगे, हॉट जस्ट का तब रहेगा, इसके बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट सब लिख देते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। जैसे द वीदर ई, टू हटा दीजिए, जब किसी सेंटेंस में टू टू के बाद एडजेक्टिव हो और उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब ना हो, टू को हटा दीजिए, द वीदर इज हॉट। अब इसके बाद आप अपने तरफ
रूप से शब्द रखेंगे ब्यान, बी ई वाई ओ एन टी, ब्यान द प्रापर डिग्री। वो बोलेंगे मौसम बहुत गर्म है, इसका ट्रांसलेशन करने के बाद क्या होगा, द वेदर इज हॉट, ब्यान द प्रॉपर लिमिट, मौसम एक उचित सीमा से भी अधिक गर्म है, मौसम उचित सीमा से भी अधिक गर्म है। किसी भी चीज की एक सीमा होती है, अगर सीमा को क्रॉस कर जाएगा, पार कर जाएगा, तो वह असहनीय या कष्टदायक होगा। इसलिए यहां पर ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय द वेदर इज टू हटाकर हॉट कर दीजिए जो एडजेक्टिव दिया, फिर अपने तरफ से रख दीजिए ब्यान द प्रॉपर लिमिट। वैसे एडवर्ब टू को रिमूव करके ट्रांसफॉर्मेशन किया गया और दूसरा नियम जो है उसको अगले डेट में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जितना पढ़ाया गया इससे संबंधित बच्चों कुछ होमवर्क नहीं।
बच्चों जो होमवर्क दिया गया है, हो सकता है कहीं पर आप पढ़ने में लिखने में दिक्कत को मिलान कर लीजिए। दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट। दूसरा वाक्य है, राम इज टू ओल्ड टू रन हार्ड। तीसरा है, ही वाज टू वीक टू वॉक। द वीडर वाज टू कोल्ड स्टडी। अगला है पांचवा, ही इज टू फुली टू विन द इलेक्शन।